क्या आपके फीसू पे ये प्रॉब्लम आ रही है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है और ये प्रॉब्लम हमारे फीसू पे क्यों देखने के लिए मिलती है, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ और कैसे ये सिंपल तरीके से आपको हटानी वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इसको बताने के लिए मैं अपनी मॉडल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरी मॉडल की स्क्रीन यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, पेज के लिए भी और प्रोफाइल के लिए। तो जैसे दोस्तों मैं अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे आ चुका हूँ। अब आने बाद यहाँ पे मैं इस पे करता हूँ क्लिक। मैं आपको और कुछ ये बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन पे करना है क्लिक। रिकमेंडेशन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको चेक करना आपका पेज यहाँ पे रिकमेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इसको उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रोफाइल स्टेटस का ऑप्शन मिला और मोनेटाइज का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर मैं मोनेटाइज पे करता हूँ क्लिक। तो मोनेटाइज पे से क्लिक करने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है ना, और इसके नीचे ये कुछ लिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, योर एलिजिबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज यहाँ मेरे प्रोफाइल का यहाँ पे नाम लिख रहा है इज नॉट फॉलोइंग योर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पे मेरा पार्टनर मोनेटाइज पॉलिसी इशू आया, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। रिसेंट वॉल्यूशन के नीचे यहाँ पे दो चीज लिख रही है, तो इसमें हम जाकर यहाँ पे देखते हैं ना। और दूसरा इशू है अनओरिजिनल कंटेंट, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी आपके अर्निंग के जो टूल हैं वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, इनसे आप अर्निंग नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं इस पे स्टार का यहाँ पे देख सकते, इस पे मैं करता हूँ क्लिक। रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है ना, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया मेरा, इसके यहाँ से बैक करता हूँ। और अदर मोनेटाइजेशन टूल्स जी मेरे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए, इनका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले पे इस पे मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं आप, यू शेयर कॉन्टेंट डेट वॉज रिमूव्ड बाय फेसबुक बिकॉज आर टेक्नोलॉजी डिटेक्ट यू डिड नॉट ऑन द कॉन्टेंट आर हैव राइट टू शेयर इट लर्न मोर शेयर कॉन्टेंट दिस कॉन्टेंट वॉज रिमूव्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ सी डिटेल में मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ देख रहा समथिंग वेंट वॉर्न, 30 जनवरी को ये प्रॉब्लम मेरे को देखने के लिए मिली है। मतलब कोई मेरा कंटेंट या कुछ गलत कंटेंट डाल दिया, जैसे कि गलत कंटेंट मैं आपको समझाता हूँ, कोई हेट स्पीच का, मतलब कोई गलत फ्रॉड वगैरह का कंटेंट या सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है या कुछ गलत कंटेंट हो सकता है जो फेसबुक पार्टनर मोनेटाइज पॉलिसी या कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी के खिलाफ है। एक कॉपीराइट वीडियो यहाँ पे डाल दी थी, इस वजह से मुझे देखने के लिए मिल रहा है। वो मैंने क्या करा था, मैं यूट्यूब से डायरेक्ट उठाकर और डायरेक्ट इस पे अपने फेसबुक के पेज पर डाल दी थी वो, इसलिए मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। वो था कि एक नाटक चल रहा था उस समय ट्रेंडिंग में, सबसे ज्यादा मन अति सुंदर, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया। उसमें अच्छे खासे व्यू मेरे को देखने के लिए मिल गए थे और मैंने काफी ज्यादा कंटेंट मतलब वहाँ से कॉपी यूट्यूब से कॉपी करके पेस्ट वगैरह करे थे, डायरेक्ट पेस्ट कर दिए थे और बहुत से मैंने एडिटिंग करके पेस्ट करे थे। इसलिए मुझे ये ना स्टार वगैरह डिसेबल हो चुके हैं, ये मेरे मोनेटाइजेशन टूल है ना, इसलिए मेरे बंद कर दिए हैं फेसबुक ने। तो इनको मुझे चालू कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसे बैक कर लेता हूँ, अब बैक करने में जब मैं अनओरिजिनल कंटेंट में करता हूँ क्लिक। यहाँ पे इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं, मतलब कि इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। अगर आप कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं, यूट्यूब से मतलब कंटेंट उठा रहे हैं और फेसबुक पेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वैल्यू ऐड जैसे कि आपने वीडियो उठा ली, लॉन्ग वीडियो है ना, जैसे एडिटिंग करके उसमें अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, या तो उसमें आपको फेस अपना दिखाना पड़ेगा, जैसे रिएक्शन वीडियो होती है वैसे आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम उसमें जो आप कॉपी कर रहे हैं ना वो चीज, वो कम से कम 30-40% होने चाहिए और 60-70% आपका खुद का कॉन्टेंट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब जी है। इसको यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब इसको बैक करने वाले इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक आधो चीज़ और रह गई है, उनको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, प्रोफाइल स्टेटस पे करता हूँ क्लिक। और इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं प्रोफाइल हैज सम इशूज, मतलब इस पे जो प्रोफाइल है मेरी इस पे काफी ज्यादा इशू वगैरह है। यहाँ पर जैसे मेरे दो वीडियो दो कॉपीराइट है, उनको यहाँ से क्लिक करके डिलीट करना पड़ा, या तो फेसबुक खुद ही डिलीट कर देगा इन कंटेंट को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वी रिमूव्ड योर कंटेंट, फेसबुक ने खुद मेरा कंटेंट रिमूव कर दिया है। 30 जनवरी 2024 को मेरे को ये कंप्लेंट आई थी मेरी फेसबुक पर, और दूसरी वाली भी इसी डेट को आई है। यहाँ पे मैं इसमें करता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, वी रिमूव्ड योर कंटेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाई दिस हैपेंड, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आई थी। यहाँ देखते हैं, इट लुक्स लाइक यू शेयर्ड समथिंग दैट इन फिगरिंग समवन एल्स कॉपीराइटेड, मतलब जो मेरा कंटेंट था वो कॉपीराइटेड था, इस वाले पेज में मैंने डाला था इसलिए इस वाले पेज दिखा रहा है। वी कैन नॉट शो दिस कंटेंट, मतलब उसने डिलीट कर दिया मासे वो कंटेंट। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी के बारे में है ना, कॉपीराइट वगैरह के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं,
यहाँ पर आप सी रूल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपीराइट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो बताया गया है ना। एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स वी डू नॉट अलाउ, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर बताया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, शेयर कंटेंट ऑनर्ड बाय समवन एल्स विद देयर परमिशन अनलेस आ। इनका मैं सिंपल तरीके इसका मतलब मैं आपको बताऊं, आप अपनी फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे कोई गलत कंटेंट नहीं डाल सकते, जैसे कि 18 प्लस हो गया, फेक वीडियो जो होती है उसके बारे में नहीं बता सकते, अर्निंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना आप इस पर क्लिक करें 10 रुपये कमा सकते हैं, 20 रुपये कमा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते, और किसी को फ्रॉड मतलब बना नहीं सकते हो, फेसबुक पर फ्रॉड वगैरह बनाते हैं वीडियो बना के, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, जो भी मतलब गलत काम होते हैं वो आप इसमें यहाँ पर कर नहीं सकते हो। अपने डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट में कोई गलत लिंक नहीं दे सकते किसी गलत वेबसाइट का, मतलब जिसी लिंक पर क्लिक करें जो कोई किसी का फोन हैक हो जाए या किसी गलत वीडियो पे चले जाए, वो ऐसा कोई गलत लिंक आपको यहाँ पे देना नहीं है, किसी गलत चीज़ का प्रमोशन भी नहीं करना है आपको, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आपको अगर पढ़नी है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रीड इन फुल पे करते हैं मैं क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देते हैं, यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा, यहाँ पे देते हैं यहाँ पे आपको पॉलिसी दी जाएंगी, यहाँ पे आपको हिंदी में दिखाया गया है ना, यहाँ देख सकते हैं हमने काफी ज्यादा पॉलिसी वगैरह इनको आप इजिली रीड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी होती है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नहीं सुरक्षा, और यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन दिए इनको आप क्लिक करके और पढ़ सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज वगैरह चेंज करेंगे, आप भाषा पे क्लिक करेंगे नहीं, यहाँ पर आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, ईमेल द रिपोर्टर मतलब फेसबुक टीम को ईमेल कर सकते हैं, स्टेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, और नीचे आपको जी इस पूरा दिन जी आपको हटाने कैसे हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपने कॉपी पेस्ट का जो वर्क करा है ना फेसबुक पेज पर या प्रोफाइल पर, तो सबसे पहले जो कॉपी पेस्ट की वीडियो वो आपको सब डिलीट मार देनी है, वीडियो रील्स वगैरह और पोस्ट वगैरह वो सब आपको डिलीट मार देनी है ना। डिलीट मारने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्ड करके 15-20 वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपको, 15-20 आपको रील्स डालनी पड़ेगी, 15-20 आपको लॉन्ग वीडियो भी डालनी पड़ेगी, और लॉन्ग वीडियो की लेंथ कम से कम आप रखना 3 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आपकी मर्जी कितनी आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। फिर आपको ये काम करने के बाद आपको फिर फेसबुक पे 1 हफ्ते या 1-1.5 हफ्ते आपको लाइव आना है, कम से कम 5 मिनट के लिए। लाइव आने के बाद आपको फेसबुक एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि आप मेरे प्रोफाइल या पेज को चेक कर सकते हैं, मैंने कोई भी पॉलिसी वगैरह का उल्लंघन नहीं किया है, जो मेरे प्रोफाइल इशू वगैरह है वो आप हटा सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे ओरिजिनल कंटेंट डाला हुआ है, मेरा खुद का कंटेंट डाला हुआ है, तो इसको आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और मैं अपने मोनेटाइज इजीली कर सकता हूं। यहां मेरे लिखा रहा है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, कॉपीराइट वीडियो उसको डिलीट करके अपनी खुद की वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, 15-20 लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो, और लाइव आना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट है रिव्यू पर भेजना है, इसके लिए इसलिए मैंने ये पहले काम नहीं करा है। और जैसे कि आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसके ले लेना है, अब लेने के बाद यहाँ पे हमको जो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको बैक कर लेते हैं, फिर अनओरिजिनल कंटेंट पे हम क्लिक करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्रीनशॉट हो चुके हैं, अब इन स्क्रीनशॉट का करना क्या है और फेसबुक रिक्वेस्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से बैक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे करना है क्लिक, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे करना है क्लिक कंटिन्यू। अब इस पे करने के बाद यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग कर देना है, इंक्लूडिंग करने के बाद यहाँ पे आपको फेसबुक पे प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको प्रोफाइल पे दिक्कत आ रही है यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे, मेरी प्रोफाइल की प्रॉब्लम है, इस वाले स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे अपलोड पे करता हूँ क्लिक, अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो मैंने 3 स्क्रीनशॉट जो लिए ना उनको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पर मेरे आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखें डिस्क्राइब द इशू, जो भी आपको ये प्रॉब्लम है जो इशू वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं, अब वो आपको कैसे करने हैं वो आपको मैं स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो यूज कर रहा हूँ, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना है। अब लेने के बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है, बैक करने के बाद आपको इस वाली एप्लीकेशन पर आना है, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीनशॉट, इस वाली एप्लीकेशन जो आप जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है ना वो उसमें से कॉपी हो जाता है AI की हेल्प से, उसको आप सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को, फिर आप यहाँ पे फेसबुक पे पेस्ट आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको प्रॉब्लम को पेस्ट कर देता हूँ, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, इसको मैं पकड़ के आपको ऊपर तक लिया दिखाता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर मैं लगा डियर फेसबुक टीम है ना, और जो भी प्रॉब्लम वो मैंने यहाँ पे लिख दी है ना, योर पेज नेम और प्रोफाइल नेम, यहाँ पे आपको जो भी पेज का नेम या प्रोफाइल का नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देने बाद आपको यहाँ पे सेंड पे कर देना है क्लिक, सेंड पे क्लिक कर देगा नहीं आपकी जो प्रॉब्लम वो फेसबुक टीम के पास चली जाएगी, ये प्रॉब्लम आपकी या 10-15 दिन में दूर हो जाएगी,
नहीं तो आपको एक महीना दो महीना या तीन महीना भी आपको लग सकता है इसको हटने के लिए। इसमें मतलब प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है और इसको हटने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और आपकी जो अर्निंग वगैरह लटकी हुई है ना वो भी तभी आ पाएगी, प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप मेरे उसका स्क्रीनशॉट लेकर उस प्रॉब्लम को लिख कर आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करते लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्लीज, और मैंने फेसबुक पर वीडियो बनाई उनको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।